मोदी रिलोडेड। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ गौरव अग्रवाल, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। और आज पांच राज्यों के नतीजों ने एक बात साफ की है, वो ये कि मोदी वेव एक बार फिर से चलती दिख रही है, क्योंकि असम का रिजल्ट बहुत कुछ कहता है। दिल्ली और बिहार में चुनावी लड़ाई हारी बीजेपी ने, असम में जीत दर्ज कर सियासी समीकरण बदल दिया है। कांग्रेस की हार का असर दिल्ली तक होगा। अब सवाल है कि क्या केरल में खाता खुलने का असर केंद्र में सरकार पर भी होगा? क्या मोदी सरकार अपने आर्थिक एजेंडे को और जोरदार तरीके से लागू कर पाएगी? क्या नए सियासी समीकरण अब मोदी सरकार को राज्यसभा में भी राहत पहुंचाएंगे, जहां बीते दो सालों में उनके लिए काफी मुश्किल हुई है, जहां कांग्रेस उन पर भारी पड़ती है? सवाल है कि क्या मोदी सरकार अब इस नए माहौल में जीएसटी जैसे बड़े बिल पास कराने में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को रोल आउट करने में कामयाब होगी? ये रिपोर्ट देखिए। असम में बीजेपी के कमल खिलने का जश्न दिल्ली तक मन रहा है, जहां दिल्ली में दम उखड़ने और बिहार की हार के जख्म अभी भी हरे हैं। और असम की जीत ही क्यों, केरल में भी बीजेपी ने खाता खोलकर बता दिया है कि वो सिर्फ उत्तर भारत की नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। दरअसल पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों का असर मोदी सरकार के आर्थिक एजेंडे पर भी होगा। वो एजेंडा जो दिल्ली और बिहार की हार के बाद डिरेल होता दिख रहा था, मोदी सरकार के रिफॉर्म्स के कड़े कदम दिल्ली बिहार की सियासी हार के बाद लड़खड़ाने लगे थे, लेकिन असम की जीत ने बीजेपी को बड़ा नैतिक सहारा दे दिया है। दूसरी ओर नतीजों के बाद दीवार दर दीवार ढहती कांग्रेस ईंट दर ईंट बिखरती दिख रही है। लेफ्ट के साथ कांग्रेस का बंगाल में नाता और तमिलनाडु में अम्मा के खिलाफ करुणा का हाथ थामना सिर्फ राज्यों के सियासी हिसाब पर ही असर नहीं डालेगा, बल्कि कांग्रेस के संसद के गणित को भी गड़बड़ कर सकता है। दरअसल राज्यसभा में मोदी की राह का रोड़ा कांग्रेस का संख्या बल ही है, जिसके दम पर वो मोदी के हर बड़े और कड़े कदम को रोकती रही है, और इसमें उसे अब तक कभी ममता का तो कभी अम्मा का साथ मिलता रहा है। लेकिन राज्यों के चुनाव नतीजे इस समीकरण को बदलने का पूरा दम रखते हैं। मैं समझता हूं द बिग मैसेज ऑफ दिस इलेक्शन इज भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कदम, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, लोगों में यह विश्वास कि अगर कोई नेता है, अगर कोई पक्ष है जो वास्तव में उनकी चिंता करता है, गरीब गांव किसान पीड़ित के साथ समर्पित है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। दरअसल जीएसटी बिल को लेकर मोदी सरकार हमेशा उम्मीदों से भरी दिखती है, लेकिन हासिल अब तक जीरो है। लेकिन बीजेपी की बढ़त और कांग्रेस की सिमटती सत्ता से शायद अब मोदी सरकार जीएसटी जैसे बड़े बिल ही पास न करा ले, बल्कि कड़े कदम उठाने में भी अब उसे मदद मिलेगी। दरअसल पांच राज्यों में चुनाव नतीजे मोदी सरकार की दूसरी एनिवर्सरी के ठीक पहले आए हैं, और तमाम आशा आकांक्षा के बावजूद जीएसटी बिल अब तक लटका है। सामने मॉनसून सेशन है और कांग्रेस अपने रुख पर कायम है। जाहिर है कांग्रेस का यही रुख अब कमजोर पड़ने वाला है, क्योंकि ना तो ममता बनर्जी मोदी से टकराव का रास्ता अख्तियार करना पसंद करेंगी, ना ही जयललिता मोदी के खिलाफ बिगुल बजाने में विश्वास रखेंगी, क्योंकि किसी न किसी तौर पर कांग्रेस ने इन दोनों सियासी दलों को राज्य चुनाव में नुकसान ही पहुंचाया है। अब सवाल है, क्या वाकई मोदी सरकार के आर्थिक एजेंडे की राह और आसान हो गई है? क्या मोदी सरकार बदले सियासी समीकरण में बड़े बिलों को पास कराने में कामयाब साबित होगी? क्योंकि इन पांच राज्यों के चुनाव नतीजों ने इतना तो बता ही दिया है कि पीएम मोदी के नाम में अब भी मैजिक बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान है, लेकिन पहले आइए आपको दिखाते हैं कुछ खास आंकड़े, जिसके बाद हम इस बातचीत को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद कहां कहां कमल खिले हैं, और कुछ ऐसे राज्य हैं इसमें जो पहली बार कमल खिला है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड, असम और महाराष्ट्र, ये पांच बड़े राज्य बीजेपी ने जीते हैं इलेक्शन 2014 का जो लोकसभा हुआ था उसके बाद। असम में भी एक बड़ी जीत है बीजेपी के लिए इन पांच राज्यों में, और बाकी के चार राज्यों में कुछ राज्यों में अच्छा प्रदर्शन, जिसमें केरल में खाता खुलना और पश्चिम बंगाल में उम्मीद से जो उम्मीद थी उसके मुताबिक प्रदर्शन करना। कहां कहां कांग्रेस बची है आपको ये दिखाते हैं। 2014 के बाद जो बड़े राज्य हैं उसमें से एक कर्नाटक आता है, उधर हिमाचल, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम,
ये छह राज्य है जहां कांग्रेस बची है, और एक ट्वीट भी मैंने पढ़ा था जिसमें किसी ने कहा था कि अब कांग्रेस के सीएम इतने कि आराम से एक इनोवा में जा सकते हैं। बट जोक्स अपार्ट, लेकिन अब कांग्रेस मुक्त भारत क्या हो रहा है, ये सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं धीरे धीरे कांग्रेस का दायरा सिमट रहा है और बीजेपी का दायरा या एनडीए का दायरा बढ़ता जा रहा है। अगर असम को मिला लें तो करीब 14 राज्य करीब बीजेपी के पास आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान, प्रेम शुक्ला बीजेपी से, राजीव त्यागी कांग्रेस से, देवेंद्र शर्मा सीनियर इकोनॉमिस्ट जिनसे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, कमाल फारूकी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है, लेकिन एक न्यूट्रल व्यू कमाल फारूकी मैं आपसे लूंगा। सबसे पहले पांच राज्यों के चुनाव नतीजे जो आए हैं ये क्या बताते हैं, और सबसे ज्यादा आपको क्या चौंकाता है, असम या तमिलनाडु? नहीं देखिए, बिला शुका शुबा मोदी जी की जो जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है, और आसाम में जो जीत है वो एक तरफ उनकी एक स्ट्रेटजी थी मोदी जी की और अमित शाह जी की, और दूसरी तरफ कांग्रेस की बेवकूफ़ी थी। तो इन दोनों ने मिलकर काम दिखलाया, और अल्टीमेटली जो जो केरला में और वेस्ट बंगाल के अंदर बिल्कुल एक अपोजिट व्यू कांग्रेस ने लिया, उसका भी उनको कोई असर, अच्छा असर नहीं मिला, और दोनों जगह पर उनको उसका नुकसान ही हुआ। और तमिलनाडु के अंदर जैसा आपने फरमाया उसके अंदर भी डेफिनेटली, हालांकि आप ये देखिए कि ओवरऑल जो वोट परसेंटेज है उसमें बीजेपी को कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो इश्यूज़ को जिस तरह से लेकर और जिस तरह से पॉलिटिकल जो एक्यूमेंटशिप उन्होंने इख्तियार करी उसका उनको फ़ायदा बहुत पहुंचा है। और आसाम में एक बड़ी कामयाबी मिलने के बाद जो है यकीनी बात है मोराल जो है वो बहुत हाई है। अगर आसाम में न हुआ होता तो यही बात बिल्कुल रिवर्स में हो गई होती, सिर्फ एक आसाम ने पूरी बीजेपी के पूरी बाजी पलट दी है, न सिर्फ ये कि जान डाल दी है बल्कि एक वो चीज़ जो नज़र आ रही थी पिछले कुछ दिनों में कि मोदी जी का शायद जो जादू है वो कम हो रहा है, तो कांग्रेस की ये बेवकूफ़ी कहें या इनकी बीजेपी की पॉलिटिक्स। इसमें एक बात मैं आपको जोड़ दूं सर, आप जो बात कह रहे हैं मोदी नरेंद्र मोदी का जादू खत्म नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस की जमीन खो रही है, क्या आपको लगता है? बिला शक शुबा, मसे कि उनकी जो 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 उनका पॉलिटिकल विजडम है उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। आसाम के अंदर अगर यही लीडरशिप अगर पूरी होशियार रही होती तो यह हाल ना होता इनका, यह आखिर तक लीडरशिप पे बड़े सवाल उठ गए इन पांच राज्यों के रिजल्ट के बाद। लेकिन इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल फ्रंट खोलूं, देवेंद्र शर्मा मैं एक कमेंट आप सभी चाहूंगा, क्योंकि इस देश में बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए अभी जो जरूरत है, और उसमें जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, और बार बार बीजेपी ये कह रही है कि जीएसटी कांग्रेस नहीं पास होने दे रही, हालांकि इसके अलावा भी कुछ रिफॉर्म्स है, लेबर से जुड़े रिफॉर्म है और कुछ और बड़े रिफॉर्म्स है। इन रिजल्ट्स के बाद एज एन इकोनॉमिस्ट और एज अ जर्नलिस्ट अगर हम आपसे आपका व्यू पूछें तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी थोड़ा और ज्यादा कंफर्ट पोजिशन में है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो राज्य हो, जहां वो इकोनॉमिक एजेंडा रोल आउट कर सकते हैं, रिफॉर्म्स आ सकते हैं? देखिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं है कि आज का दिन जो है वो इट्स ए बीजेपी डे, और बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा है इट इज़ रिमार्केबल, और आज नज़र आता है कि भाई एक नेशनल पार्टी अगर कोई है तो वो बीजेपी ही है, ये तो बड़ा स्पष्ट है आज जो के रिजल्ट से पता चलता है। और असम के ऊपर बिल्कुल 15 साल के बाद कांग्रेस को हटाकर बीजेपी ने जो खाता खोला है, हालांकि मैं वोट परसेंटेज देख रहा था जब तक असम के 56 सीट्स थे बीजेपी को तब तक उनका वोट परसेंटेज 29.7 था और कांग्रेस का 31.51 था, लेकिन उनको 26 सीट तब तक मिली थी। तो इसका मतलब है कि ये वोट परसेंटेज का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स या एनालिसिस होना चाहिए, ये कैसे ये हो रहा है कि वोट परसेंटेज ज़्यादा है सीटें कम होती हैं, ये पहली बार नहीं है। हाँ, लेकिन ये अक्सर हुआ होता रहता है, कई बार इससे पहले भी हुआ है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन जो आपका जी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी है कि पंजाब में भी ऐसा हुआ था कि कांग्रेस को वोट परसेंटेज ज्यादा मिला था और लेकिन वोट शेयर ज्यादा मिला था, लेकिन इलेक्शन में जो पार्टी बनी बाद में इलेक्शन के बाद वो एसएडी और बीजेपी को नहीं। सर, सवाल मेरा होता कि इकोनॉमी के एजेंडा क्या आपको लगता है कि कंफर्टेबली रोल आउट कर पाएगी बीजेपी? देखिए, वहाँ तो मुझे लगता है कहीं दिक्कत थी नहीं अगर करना चाहते, लेकिन जो असली इंपॉर्टेंट चीज करने वाली है गौरव जी वो है जॉब क्रिएशन। आप चाहे जीएसटी ले आए, आप उसको बड़ा कहें, आप लेबर रिफॉर्म्स कर लें, लेकिन जब तक जॉब क्रिएशन नहीं होगी आई थिंक मोदी सरकार को या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो बात करते हैं वो उसका एक्चुअल जो टेस्ट नहीं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बार बार ये आता है कि राज्यसभा में उनके पास स्ट्रेंथ नहीं हुई है। सर, वो बार बार यही कहते हैं, मेरे साथ प्रेम शुक्ला उनसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन एक छोटा सा कमेंट 20 सेकंड का आपसे, और वो बार बार कहते हैं कि राज्यसभा में स्ट्रेंथ नहीं है और कांग्रेस उनके साथ है नहीं। कांग्रेस उनके साथ में कैसे होगी? नहीं, इकोनॉमिक एजेंडे पर, इकोनॉमिक रोल आउट पे तो हर जैसे देश के साथ तो आना पड़ेगा ना सर, देश के मुद्दे पर। आपने
देखिए अगर हम गौरव जी पहले भी देखें, जब जब पार्लियामेंट नहीं चलता है तब ब्लेम किया जाता है अपोजिशन को, जब पार्लियामेंट चल पड़ता है तब हमें कहीं जॉब क्रिएशन नजर नहीं आ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये कब तक चलता रहेगा, हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। पासिंग ऑन द बक इज़ वेरी इजी।